सलमान खान तक पहुंची उनसे जुड़ी एक खबर, वो जिसे एक्सक्लूसिवली जूम पे दिखाया गया। ये खबर एक एक्टर के स्टेटमेंट के बारे में थी। अपने खिलाफ दिए गए इस एक्टर के बयान से सलमान इन दिनों आग बबूला है। सलमान खान को जूम की दिखाई गई खबर का पता चला तो उन्होंने इस खबर का जिक्र अपने रियलिटी शो में भी कर दिया। पहले ये जान लेते हैं कि इस खबर को फैलाने वाला वो एक्टर कौन था और उसने क्या कहा था। ये थे टीवी एक्टर और सलमान के शो के कंटेस्टेंट कुशाल टंडन। सॉरी भी मुझे बोला था बट वो सब दिखाए नहीं। और कुशाल की यही आवाज और जूम की दिखाई गई खबर सलमान के कानों तक पहुंच गई और बॉलीवुड का दबंग उखड़ गया। अपने शो पर ना सिर्फ सलमान खान ने इसका जिक्र किया बल्कि ये भी बताया कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये सिर्फ उनकी पोलाइटनेस थी और इसके पीछे कोई और रीजन नहीं निकाला जाए। सलमान ने अपने शो पर कहा तो कुशाल ने बाहर आके ये कहा है कि सलमान ने मुझसे माफी मांगी है। माफी जरूर मांगी है मैंने, लेकिन उसका एक रीजन है कि बेटा लेट इट गो, हैव अ ब्लास्ट इनसाइड, नाम बना के बाहर निकलो। इफ आई हैव हर्ट यू आई एम सॉरी, माई इंटेंशन इज नॉट दैट, इट्स जस्ट बीइंग पोलाइट, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। आपको तो याद ही होगा कि किस तरह कुशाल और सलमान के बीच उनके शो पर मनमुटाव हुआ और अग्रेसिव कुशाल ने शो छोड़ने के बाद जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि सलमान ने मनमुटाव के बाद उनसे माफी मांगी, जिसे जूम ने टेलीकास्ट भी किया, जो सलमान को वर्ड टू वर्ड याद था। तभी तो उन्होंने कुशाल के लफ्ज नेशनल टेलीविजन पर कह दिए। यहां से चले जाना और बोलना कि सलमान ने मुझसे माफी मांगी वो दिखाया नहीं गया। सॉरी भी मुझे बोला था बट वो सब दिखाए नहीं। लेकिन अब कुशाल को शायद ये जान लेना चाहिए कि सलमान तक ये बात पहुंच चुकी है। सलमान इससे नाराज हैं। सलमान के लिए ये कूल नहीं है और तो और सलमान कुशाल के इस तरह के स्टेटमेंट्स को पब्लिसिटी पाने का एक जरिया भी मान रहे हैं। अपने शो पे सलमान ने कहा दैट डज नॉट मीन कि आप माइलेज लें उसके ऊपर, दैट्स नॉट कूल। इतना ही नहीं, सलमान ने अपने शो पर ये भी बताया कि वो कुशाल के लिए सही थे और कुशाल के माता पिता के लिए गलत। मैं कुशाल के लिए सही था लेकिन उनके माता पिता के लिए मैं गलत हूँ। ना सॉरी बोलना, एटीट्यूड दिखाना, वो गलत है। वैसे सलमान के इस कमेंट के बाद कुशाल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसा ट्वीट किया, आई विल नॉट से सॉरी टू नोबडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट इवन माई डैड, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई एम व्हाट आई एम। ये तो हर कोई जानता है कि इफ यू रब सलमान द रॉन्ग वे क्या होता है, और अगर उनकी बात को कोई गलत कॉन्टेक्स्ट में कहता है तो उन्हें और भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सलमान खान अपने से जुड़ी खबरों को लेकर खुद बिग बॉस बन गए हैं, उनकी नजर में सब रिकॉर्ड हो रहा है और अगर खबर एक्सक्लूसिवली जूम पर हो तो उसका असर तो होना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।